हे फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वो दिन, जर्नी का दिन। आज है 8 जनवरी और हम लोग जो है अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग स्टेशन न्यू दिल्ली स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। सामने ही आते ही जो है दो वंदे भारत खड़ी थी, एक तो ये और दूसरी एक और सामने आपके प्लेटफॉर्म में थी। तो हमने हमारा जो ट्रेन था वो था आपका देहरादून शताब्दी और जो है बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंच गई थी ट्रेन। सोचा कि तब तक जब तक हमारे पास हाथ में टाइम है तब तक वंदे भारत के साथ थोड़ा सेल्फी क्यों ना हो जाए। तो हमने सेल्फी वगैरह लिया एंड देन वी जस्ट हेड गो टू आवर प्लेटफॉर्म। और इस ट्रेन के जाने के बाद ही जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आ चुकी थी। हमने ज़्यादा जो है लगेज नहीं किया था क्योंकि जो मुश्किल से हमें 2 से 3 दिन ही हमें रहना था। 3 लगेज ही हुआ था जिसमें से एक जो पूरा एक जो बैग है उसमें सिर्फ कंबल थे जो हमें दान में हमने देने के लिए लिया था और एक जूतों का बैग और एक कपड़े वगैरह बैग थे। ट्रेन जो है हमने जैसे ही हम अंदर बैठे बैठते के साथ ही जो है हमें ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया। ये देखिए सामने ये हमारा जो है ये बैग है एंड दैट्स इट। और ब्रेकफास्ट में जो है हमने एक्चुअली वेज जो मेन्यू था उसमें छोले कुलचे दिए थे जो कि बहुत ही टेस्टी था पर हमने नहीं लिया था, एक्चुअली हमें पता ही नहीं था। तो अभी जो है ये देखिए सामने जो है हमारा ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म में आ गया है और जाते के साथ ही जैसे मैंने बताया चाय मिला पहले, चाय के बाद जो है हमें ब्रेकफास्ट मिला जैसे नॉनवेज में जैसे मिलता है ब्रेड ऑमलेट और कटलेट वगैरह था। वेज में जो कटलेट जो था वो मतलब हमने अलग से मंगवाया था तो उसमें हमें मिला था क्योंकि ऋषा को वो खाना था। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट जो हमने 2 नॉनवेज मंगवाया था और ऋषा के लिए अलग से जो है कटलेट मंगवाया था। सामने जो हमारे बैठे थे उन्होंने वेज जो है मेन्यू अपने ब्रेकफास्ट में लिया था तो उन्हें छोले कुलचे मिले था और साथ में जूस वगैरह पानी जैसे रहता है वो। और हम लोग जो है पहुँच चुके हैं, ये है हमारा होटल होटल रूम और इस होटल का नाम है राज मंदिर। होटल जो है बहुत बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए आप सामने देख सकते हैं मनसा देवी रोपवे का जो है रूट बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होता है, टिकट काउंटर भी यहीं है। और ये है हमारा होटल का जो हॉलवे आप एंट्री वे कह लीजिए, बहुत ही सुंदर है। ये सामने रेस्टोरेंट है, अब अगर इसको चाहते हैं आप कॉन्फ्रेंस के लिए या पार्टी वगैरह के लिए बुक करना तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। यहाँ का जो अपीयरेंस है बहुत अच्छा है, रूम्स बहुत अच्छे हैं। हमने स्पेशली जो है इनसे कहा था कि हमें एक वर्क स्टेशन चाहिए, चेयर टेबल वगैरह चाहिए जहाँ पे हम लोग बैठ के जो है काम कर सके और जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट भी हो कमरे में। तो हमें बिल्कुल उसी तरीके से हमें जो है रूम्स प्रोवाइड किए गए थे। रेट बहुत ही रीजनेबल था पर ये भी है कि चूँकि ये ऑफ सीज़न था तो रेट्स जो है बहुत ही कम थे पर यहाँ पे सीज़न वाइज रेट्स जो है अप एंड डाउन होते रहते हैं। इस होटल में आपको लिफ्ट भी मिल जाता है पर हमने लिफ्ट का यूज़ जो है वो बहुत ही कम किया क्योंकि हमारा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे ही था। आप देख सकते हैं ये होटल भी जो है कितना ज़्यादा क्लीन है, सर्विस यहाँ पे बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं तो कोशिश करूँगी कि मुझे पर्सनली ये होटल जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ की सर्विस जो है वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत फास्ट थी। सामने जो कमरा आपने जो दरवाज़ा खुला देखा वही हमारा कमरा था 103 और मैं अभी चलती हूँ और ऋषा तो बहुत ही खुश है आई मीन अपने इस होटल रूम को देख के। और अंदर जाते ही जो है राइट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा सा एक वार्डरोब है और ये है वॉशरूम। आप देख सकते हैं वॉशरूम भी कितना क्लीन है और अभी इन्होंने जस्ट अभी क्लीन किया था और अभी मतलब और गेस्ट के आने से पहले भी वो लोग दोबारा से क्लीन करते हैं इसलिए वहाँ पे जो है थोड़ा लिक्विड दिया हुआ था सो दैट कि जितने भी वाटर स्टेन्स वगैरह है वो बिल्कुल जो है वो क्लीन हो जाए। और ये है हमारा रूम, आप देख सकते हैं ये सामने वर्क स्टेशन, बहुत ही कंफर्टेबल सोफा था। और यहाँ पे आज एक बात बता देना चाहेंगे कि ये इस होटल में ना आपको बालकनी नहीं मिलती है पर हाँ आपको इस तरह से जो पूरे वॉल लेके आपको विंडो मिल जाता है जिससे कि आप बाहर के नज़ारे आप देख सकते हैं, सनलाइट प्रॉपर आती है। और जो दूसरी बात है यहाँ पे जो है यहाँ से आपको व्यू जो है विंडो से बाहर का कुछ आपको खास नहीं मिलेगा, बस आपको सिटी व्यू मिलेगा। सिटी व्यू भी नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ये थोड़ा ऊपर है तो गाड़ियाँ वगैरह भी आपको नहीं दिखेगी पर हाँ यहाँ से आपको कुछ और ज़रूर दिखेगा। ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ट्रेन जाते हुए आपको ज़रूर दिखेगा और ये वही ट्रेन रूट है
तो देहरादून जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं वो सारी ट्रेन जो है इसी रूट से होते हुए जाती है, और इससे आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि बहुत कोई ऐसा सोच सकते हैं कि बिल्कुल ट्रेन के सामने जो है होटल रूम है तो बहुत ज़्यादा शोर होगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, और बहुत ही काम प्लेस है, बहुत शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, और चूँकि ऑफ सीज़न था तो थोड़ा ज़्यादा जो शांत माहौल जैसे हमें चाहिए था वो हमें थोड़ा ज़्यादा ही मिला। तो चलिए हम लोग अभी जो है फ्रेशन अप होके अभी हम लोग जो है यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग 12 बजे के करीब हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे, और अभी बस फ्रेश वगैरह होके जो है हम लोग सीधे चले जाएंगे अभी लंच के लिए, और उससे पहले गंगा मैया के दर्शन भी करने हैं। ये रही मैं सामने, और बाथरूम में हमें यहाँ पे टॉयलेटरी सोप वगैरह सब कुछ मिला था, टॉवल मिला था, बहुत ही नीट एंड क्लीन बाथरूम था, बहुत ही नीट एंड क्लीन इनके लिनन थे, और बहुत ही अच्छा सर्विस था। अंदर आपको एग्जॉस्ट और गीज़र वगैरह के कनेक्शन 24 आवर्स आपको हमेशा आपको पानी, गर्म पानी आपको मिलेगा यहाँ पे। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस होटल की लगी, इनका जो रूम सर्विस था वो बहुत बहुत अच्छा था, मतलब इतना जल्दी जो है आपको, मतलब आप फ़ोन करते हैं आपको तुरंत जो है आपके रूम दरवाजे के बाहर जो है आपकी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे इन लोगों ने जो है हमें स्लीपर भी दिया था, हम तीनों के लिए बेड काफ़ी बड़ा था, तो हम लोग जो 3 लोग आराम से यहाँ पे आके हम लोग मतलब लेटने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी हम लोग होटल रूम से निकल चुके हैं, और यहाँ ये देखिए ये मनसा देवी का जो रोपवे का जो टिकट है वो काउंटर, वो अभी जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया, और उससे बिल्कुल सीधे आप नीचे मार्केट की तरफ जाएंगे ना तो आपको जो है बिल्कुल पूरा मार्केट एरिया जो आप कह लीजिए कि यहाँ से ये शुरू ही हो चुका है, यहाँ से आपको बिल्कुल नीचे मेन रोड तक बिल्कुल मार्केट मिलेगा, और ये जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, बिल्कुल इसी रास्ते से आप बिल्कुल सीधे जाते रहेंगे, सामने ही आपको मनसा देवी का जो गेट है जहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी, उसका बोर्ड भी, वो गेट भी बिल्कुल बना हुआ है, और ये भी एक होटल है, और इसी रास्ते में जो है आपको रास्ते के दोनों साइड ही आपको मार्केट और होटल रूम आपको बहुत मिल जाएंगे। आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं होटल मयूरा करके भी है, इसका फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूंगी। रूम्स चूँकि वो लोग जल्दी नहीं दिखाते हैं तो रूम्स जो है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, और यहाँ पे देखिए ये जो रास्ता है ये आपका बिल्कुल स्टेशन से जो सीधे रास्ते आता है ये वो है, और ये रास्ता बिल्कुल सीधे आप अगर आप चले जाओगे, जैसे जैसे रास्ता मुड़ता जा रहा है आप उसी रास्ते से अगर आप चलते जाएंगे आपको सीधे जो है वो आपका हड़की पौड़ी में निकलेगा। रोड क्रॉस करके सामने ही एक सीढ़ी आता है, सीढ़ियों से हम लोग नीचे उतर के अभी हम लोग ये रास्ता भी जो है हड़की पौड़ी की तरफ जाता है, ये पूरा मार्केट जो है ये रास्ता होते हुए जाता है, यहाँ पे आपको खाने की दुकानें, शॉपिंग के लिए आपको सारी दुकानें, चाय वगैरह, ब्रेकफास्ट के लिए हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और ऊपर का जो रास्ता मैंने दिखाया जो स्टेशन से होते हुए जो बिल्कुल सीधे चला जाता है वहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए दुकानें थोड़ी कम मिलेगी पर खाने पीने की दुकानें आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, और ये जो जगह है ये जगह जो है यहाँ पे आपको हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे आके, कई सारे यहाँ पे आश्रम है जहाँ पे जो है आपको किचन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर आप लोग यहाँ पे आके अगर आप लोग खाना बनाना चाहते हैं तो आपको वो ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा, सब्जी वगैरह बिल्कुल बिल्कुल मतलब यू नो हाथों के रेंज में है, और इसी रास्ते से अगर आप लोग चलते जाएंगे आपको देखिए आप खुद ही देख सकते हैं चारों तरफ जो है आपको यहाँ पे दुकानें मिल जाएंगी, यहाँ पे होटल्स वगैरह मिल जाएंगी। इन होटल्स वगैरह की डिटेल्स का जो एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, अगर आप लोगों को अगर हेल्पफुल लगे तो आप लोग ज़रूर से जो है इसे फॉलो कर सकते हैं, उस नंबर जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी मैं उस वीडियो में, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट करके जो है बात कर सकते हैं उन लोगों से, आप व्हाट्सएप में रूम्स के फ़ोटो वगैरह जो है आप लोग मंगवा सकते हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। रूट जो है यही रूट है, इसी रास्ते में जाते हुए जो है आपको कई सारी होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। जंगल सफारी जाने का हमारा प्लान था पर यहाँ पे कंफर्म कोई भी बता नहीं पा रहा था कि वो सफारी अभी भी चालू है या अभी बंद है, कोई बोल रहा था बंद है, कोई बोल रहा था चालू है, तो इस कंफ्यूजन में जो है हमने वो जाना कैंसिल ही कर दिया। और 10 तारीख को हमें अर्ली मॉर्निंग जो है हमें यहाँ पे पूजा करनी थी, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। हरिद्वार आया और अभी तक मैंने आपको गंगा जी के दर्शन नहीं करवाए, ये है गंगा मैया। हड़की पौड़ी मेरे वाले।
हरकी पौड़ी में हम लोग आए थे यहाँ पे पूजा के लिए, बात वगैरह करने के लिए और पंडित वगैरह से बात करने के लिए कि हमें टाइमिंग कितने बजे आना है, कितने बजे पूजा स्टार्ट होगी, टाइम कितना लगेगा, क्या क्या सामग्री वगैरह चाहिए, क्योंकि इस इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जो है कोई आइडिया नहीं था। और हम लोग जो है ये तीन दिन हम लोग रोज़ जो है दो तीन करके कंबल हम लोग लेके निकलते थे, क्योंकि एक ही दिन में सारे कंबल बांटना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे इतने लोग हैं ना, एक जन अगर देख लिया ना कि यहाँ पे ये लोग कंबल बेच रहे हैं तो ऐसे आपको घेरेंगे ना, आप बिल्कुल संभाल नहीं पाओगे। और ये है हरकी पौड़ी के दूसरे साइड का घाट, बिल्कुल उल्टे हाथ वाला। यहाँ पे गंगा जी का स्रोत जो है वो बहुत तेज था, आवाज़ जो है बहुत तेज़ आ रही थी और पानी भी उतना ही ठंडा था। तो चलिए अभी पंडित जी वगैरह से हमने जो है बात कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं लंच और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी वक्त हो चुका है आपके शाम के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग चाय पीने के लिए बाहर आए थे और बाहर जो है बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हमने पहले तो सोचा था कि बाहर अभी हम लोग चाय पी के थोड़ा मार्केट वगैरह घूम के और जो है डिनर करके एक ही बार में हम लोग रूम की तरफ चले जाएंगे, पर ऐसा एक्चुअली हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग जो है चाय पी के सीधे हम लोग वापस जो है होटल रूम आ गए हैं और हमने यहीं पे ही जो है होटल रेस्टोरेंट में ही हमने जो है डिनर किया था। रिशा को चिली पनीर और रोटी खाना था तो हमने वही ऑर्डर किया था। खाना वॉज एवरेज और यहाँ पे जो है पर सर्विस यहाँ की जो है वो बहुत अच्छी थी। तो अभी चलते हैं, अभी सीधे मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि इट्स 10th of January और ये मॉर्निंग में आप देख सकते हैं सामने ही जो है ये ट्रेन जा रही है और बिल्कुल ये सामने ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो वगैरह भी है, पर ये ऑटो जो है यहाँ से नहीं जाएगी, ये बिल्कुल आपको स्टैंड से ही मिलेगी। और होटल के बिल्कुल सामने ही जो है ये गोपाल टी स्टॉल है, यहाँ की चाय भी बहुत मस्त है। तो हमने जो है उसके बाद से जब भी हमें चाय की ज़रूरत पड़ती थी हम यहीं से ही चाय लेते थे। ये है आपका नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 10th of January। हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे 9 बजे पहुँच चुके थे और यहाँ पे आके जो है ये पूजा में बैठ गए थे। थोड़ा हमें वेट करना पड़ा था क्योंकि पंडित जी जो है पूजा में थे, तो हमें यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा था। और बिल्कुल नंगे पैर इस जगह पे खाली मतलब ऐसे खड़े रहना ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि पैर जो है बिल्कुल जम गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ की सिल्ली में हम लोग खड़े हैं। तो जो भी है पर पूजा जो है बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी, जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो काम बहुत अच्छे से हो गया था। और ये इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग सीधे होटल रूम जाके हमने नाश्ता किया, नाश्ता करके हम लोग सीधे जो है स्टेशन के लिए रवाना हो गए थे और आज ही जो है हम लोग दिल्ली आ गए थे। अब नेक्स्ट मिलती हूँ मैं आपसे सीधे दिल्ली में अपने घर में और हमने वहाँ पर जाके क्या क्या शॉपिंग किया था वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।